महाभारत में भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हाँ। एक गांव था इंद्रप्रस्थ जिसको दिल्ली कहते हैं। हाँ। एक गांव था तिलप्रस्थ। अच्छा। जिसको फरीदाबाद कहते हैं। फरीदाबाद। एक गांव था सोनप्रस्थ जिसको सोनीपत कहते हैं। एक गांव था पानप्रस्थ उसको पानीपत कहते हैं। पानीपत। एक गांव था गजप्रस्थ जिसको गाजियाबाद कहते हैं। अच्छा। अब महाभारत में लिखा हुआ कि 5 गांव मांगे, लेकिन उन 5 गांव को आप ढूंढिए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 का नाम बदल गया। भाई फरीद खान नाम का लुटेरा जाके तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया था, कायदे से उसको रिस्टोर करना चाहिए था। बिल्कुल। हमारा राइट टू कल्चर का मामला, भाई हमारी अगर हमारे नाम ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो हमारे वेद पुराण गीता रामायण में है, तो हमारा जो कल्चरल कनेक्ट होगा वो कैसे होगा? नहीं होगा। हमारे बच्चों को बताया जाएगा रामायण काल्पनिक घटना है, महाभारत काल्पनिक घटना, हमारे बच्चे मान लेंगे, क्योंकि वो स्थान तो मिल नहीं रहे। नहीं। अगर स्थान मिल जाए तो हमारे बच्चे कहेंगे भाई काल्पनिक नहीं है, तो हकीकत है, देखो ये सारे स्थान मेंशन है और ये सारे स्थान मिल भी रहे जी। इसलिए मैंने पीएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। इसी तरीके से गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल का मतलब पांचाली, पांचाली मतलब द्रौपदी का जो जन्म स्थान था उसको पांचाल कहते थे जी। उस पांचाल में एक फरूख नाम का लुटेरा गया, उसने उसको फरुखाबाद बना दिया। अच्छा। अब हमारे महाभारत में पांचाल लिखा हुआ है कि पांचाल नरेश की बेटी। हाँ। अब हमें पांचाल नहीं मिल रहा, फरुखाबाद बना हुआ है।